नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और नीचे ही लिखा हुआ है टॉपिक। टॉपिक क्या है? 1996 लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट, इस पे आया है डिसीजन। 1996 लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट पे आया है डिसीजन, किसका? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इससे पहले आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हुआ क्या? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ टू अक्यूज इन 1996 लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट केस और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रेमिशन। कोई भी उसमें मतलब उनकी जो पनिशमेंट है उसे कम नहीं कर सकते आप, विदाउट रेमिशन कम नहीं कर सकते आप। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। द कन्विक्शन ऑफ टू अदर फॉर्मर डेथ रो कॉन्विक्स वर डिस्चार्ज बाई दिल्ली हाई कोर्ट वर ऑल्सो रीस्टोर्ड। हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आपको भी लाइफ सेंटेंस मिलेगा। बेंच में कौन बैठे थे? तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई साहब, विक्रमनाथ एंड संजय करोल साहब वॉज हियरिंग द अपील। ये अपील वो सुन रहे थे और प्रेफर्ड बाई मोहम्मद नौशाद एंड जावेद अहमद खान अगेंस्ट द कन्विक्शन एंड सेंटेंस। SLP स्पेशल लीव पिटीशन गई थी अवॉर्डेड बाई लोकल कोर्ट इन दिल्ली टू डैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अक्विट टू डेथ रो कॉन्विक्स लाइक मिर्जा नसर हुसैन एंड मोहम्मद अली भट्ट। दिस बैच ऑफ अपील्स हैज बीन पेंडिंग बिफोर द एपेक्स कोर्ट फॉर ओवर अ डिकेड। एक 10 साल, 10 साल से अपील रुकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दे दिया है। सोचो 1996 का लाजपत केस का अभी आ रहा है डिसीजन। बैकग्राउंड क्या है? 1996 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के लाजपत नगर में, बहुत फेमस है दिल्ली का लाजपत नगर, जहां के सेंट्रल मार्केट में ये काम हुआ है। क्लेमिंग द लाइफ्स ऑफ 13 पीपल, 13 पीपल उसमें 13 पीपल की मृत्यु हो गई थी और 38 पीपल वेर इंजर्ड। बिसाइड कॉजिंग मच डैमेज टू प्रॉपर्टी अ फ्यू डेज लेटर जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने ही ये किया है। इस बेसिस पे दिल्ली पुलिस ने 6 सस्पेक्ट कश्मीरी मिलिटेंट एंड 2 अदर इंक्लूडिंग अ वुमेन बट ऑल्सो नेम माफिया डॉन्स दाऊद इब्राहिम एंड टाइगर मेनन एज अक्यूज्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट। इन सभी को दिल्ली पुलिस ने सस्पेक्ट के तौर पे रखा था। 16 साल आफ्टर द ब्लास्ट इन 2012 द अपील बाई 4 कॉन्विक्ट हु वर सेंट टू जेल, अपील गई है जो जेल में थे उनके डेथ सेंटेंसेस के लिए, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंची। एक डिवीजन बेंच थी जिन्होंने पुलिस को ही बहुत बहुत फटकार लगाई और कहा कि ग्रेव प्रोसिक्यूशन लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लैप्सेस होते हैं, इसीलिए आज जो केसेस जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो सकते थे, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग विजडम इट हैज बीन मेड एंड इन टू ऐश इन टू द सॉइल। तो अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली केस में एविडेंसेज रहेंगे तो उसे प्रूव करना आसान रहेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो केस ऑलरेडी लॉस्ट हो जाता है, ये बात कही गई। द नेचर ऑफ ग्रेव प्रोसिक्यूशन लैप्स इन वेरियस इशूज सच एज लैक ऑफ प्रूफ कनेक्टिंग सम ऑफ अक्यूज विद द बॉम्ब इंसिडेंट, फेलियर टू होल्ड TIP, TIP कहां पे, किस सेक्शन में TIP दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट के, ये आप मुझे बताइए। TIP दैट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ आर्टिकल्स एंड अक्यूज, कोई रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट नहीं हुई है वाइटल विटनेसेस की और बस टाइम फेंका गया है, टाइम बर्बाद किया गया है, बट ऑल्सो थ्रू अप अ क्वेश्चन मार्क एज टू द नेचर एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द एविडेंस। अब अगर सबूत सही से नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसकी एडमिसिबिलिटी वीक हो जाती है। यहाँ पे क्लियरली ये कहा गया कि अगर एविडेंस प्रोड्यूस जो है वो ट्रूथफुल नहीं है, वो सच के रास्ते पे नहीं है, तो कोर्ट उसे कैसे एडमिसिबल करेगी। और ये कार्य होता है IO साहब का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, उस टीम का जो उस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर लगी हुई थी। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस S. रविंद्र भट्ट एंड GP मित्तल साहब आफ्टर मेकिंग दिस ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या किया, प्रोसीडेड टू अक्विट डेथ रो कॉन्विक्स मिर्जा नसर हुसैन एंड मोहम्मद अली भट्ट एंड कॉम्यूट डेथ सेंटेंस ऑफ मोहम्मद नौशाद टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। हाउ एवर
द लाइफ टर्म अवॉर्डेड बाई द लोअर कोर्ट टू जावेद अहमद खान वॉज अपहेल्ड. और जो लाइफ टर्म अवार्ड मिला है कि जिंदगी भर जेल में रहना है जावेद अहमद खान को, उसे हमने हामी दे दी. अब क्या हुआ, द टू लाइफर्स देन चैलेंज देयर कन्विक्शन. फिर उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्वियसली दे हैव अ राइट. व्हाइल द स्टेट फाइल्ड एस एल पी सीकिंग द रिस्टोरेशन ऑफ कैपिटल सेंटेंस अवॉर्डेड बाई द सेशन कोर्ट 2013 अप्रैल में, द टॉप कोर्ट इशू नोटिस इन द बैच ऑफ अपील एंड इन सेप्टेम्बर 2016 द मैटर वॉज प्लेस बिफोर अ 3-judge बेंच. तो 2013 में आया केस, फिर 2016 में आया, अभी उसके बाद 2023 में आया है और अभी भी उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट आज भी वैलिड है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही रहेगी, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिली है और उस पे कोई भी रेमिशन, कोई भी छूट, कोई भी सेंटेंस की कमी नहीं दिखाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि 1996 का बॉम्ब ब्लास्ट जो था बहुत ही इट वॉज वेरी हॉरिफाइंग. 13 लाइव्स वर टेकन अवे एंड 38 पीपल गॉट इंजर्ड. नो मैटर हाउ मच डैमेज इट केम बट स्टिल द फैमिली हु लॉस्ट देयर सोल्स, द फैमिली हु लॉस्ट देयर डियर वंस विल नेवर गेट देम बैक. सो इन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए. और ऐसे ऐसे केसेस पे ऐसे ऐसे डिसीजन आते रहे जहाँ पे लोग अपील डालते रहे और सुप्रीम कोर्ट उस पर खारिज करते रहे, क्योंकि जो गलत है वो आज भी गलत है, जो गलत है वो 1996 में भी गलत था और जो गलत है वो आगे भी गलत ही रहेगा. तो ऐसे जजमेंट्स के लिए जुड़े रहे हमसे अड्डा 24/7. जुडिशरी से मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद.